हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लव विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों आज हम एमपीसीजे के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लेकर के आए हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेकर के आए हैं साथियों, ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। आज अगर हम बात करें इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, तो साथियों ये जो आज आपके लिए मैं सेशन लेकर के आया हूँ, साथियों ये जो पार्ट आपके सामने होने वाला है आज, ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने इसका डील कर रखा है। और ये जो पीडीएफ है साथियों, आपको बाइलिंगुअल मिलने वाला है, हिंदी में भी साथ साथ इंग्लिश में भी। तो ये पार्ट फर्स्ट का ये जो भी कंटेंट है साथियों, यहाँ तक हम लोगों ने इस कंटेंट को ऑब्जर्व कर लिया। अभी आप लोगों ने हिंदी के कंटेंट को देखा है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे इंग्लिश का कंटेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। आज से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे साथियों। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो संविधान का ये जो पार्ट सेकेंड जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, यहीं से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? संविधान प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता था कि संविधान किस तरह से बना था, संविधान में फर्स्ट किसको चेयरमैन बनाया गया था, इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर ही लिया होगा पार्ट फर्स्ट में। तो यहां पे जो संविधान प्रारूप समिति की बात कर रहा है, कर संविधान प्रारूप समिति ने 315 धारा तथा 8 अनुसूचियों का मसौदा तैयार किया। अब आप कहेंगे कि ये मसौदा क्या है, ये क्या तैयार किया गया है? तो जब इनिशियल स्टेजेस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग चल रही थी, एट दैट टाइम क्या किया गया था, संविधान समिति के द्वारा क्या किया गया था, 315 धाराएं तथा 8 अनुसूचियों का एक खाका तैयार किया गया था, एक उसको रफली ड्रॉ किया गया था, तैयार करके उसे 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये एज अ वन लाइनर है, और इस वन लाइनर को आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डेट दिया है। जैसे ही डेट दे दिया है 5 नवंबर 1948, तो साथियों इससे हमें इसके ऑथेंटिसिटी का पता चलता है कि नहीं, कुछ ये डेट खास है 5 नवंबर 1948, क्योंकि प्रारूप समिति जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, 315 धारा तथा 8 अनुसूचियों का एक मसौदा तैयार करके इसी दिन 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया गया था। ये चीज आपको जानने की आवश्यकता है, और यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। यहां पर देखिए साथियों, हम इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहे हैं, हम शुरुआती के दिनों की बात यहां पे कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अंदर घुसते जाएंगे, पूरा का पूरा संविधान आपके अंदर घुसता जाएगा, ये मैं आपको यहां पे बताने का काम कर रहा हूं। कह रहा है कि प्रारूप में 7535 मीन्स कि 7535 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। अब आप समझ सकते होंगे कि कितना बड़ा हमारा संविधान बनाया गया था, कि उसमें 7535 संशोधन सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट प्रस्तुत किए गए थे। अब ये आप समझ सकते हैं कि कितना बल्कि होगा, कितना बड़ा होगा, कि इतने ज्यादा यहां पे आपको संशोधन देखने के लिए मिल रहे थे। साथ ही साथ कह रहा है, परंतु 2437 संशोधन पर ही विचार किया गया। संशोधन के लिए पूरा का पूरा कह दिया गया कि 7535 तो संशोधन ही करना है, लेकिन अगर हम पूरे 7535 को संशोधन करने लगते तो पता चलता कि अर्थ का अनर्थ हो जाता, इसीलिए सभी संशोधन पे विचार नहीं किया गया, मात्र 2437 संशोधन पर ही एट दैट टाइम विचार किया गया, और उसी में से अच्छे चीजों को एक्सट्रैक्ट करने का काम किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हो सकता है। साथ ही साथ कह रहा है, कहां गया एक मिनट, साथ ही साथ कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर, किसकी बात कर रहा है, जो हमारा संविधान बना था उसके प्रारूप पे, जो उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लॉ की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो लॉ को बनाने से पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, कि क्या उसकी ड्राफ्ट के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट लिखने होते हैं, किस कंटेंट की आवश्यकता होती है। तो यही कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर खंडवार विचार विमर्श 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा हुआ। अब आप देख सकते होंगे कि
कि इस पे कितनी बार वाचन किया गया है, इस पे कितनी बार मंथन करने का काम किया गया है। अगर आप डेट को देखेंगे तो 15 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर 1948 से लेकर के डेट आपको याद रखना चाहिए 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि एक लंबा पीरियड, एक लंबा टाइम लिया गया है संविधान के खंडवार विचार विमर्श करने के लिए, एक एक प्रोविजंस पे, एक एक आर्टिकल्स पे यहाँ पे चर्चा करने का काम किया गया था। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वही हमने उठाया और वही हमने संविधान सभा में रखने का काम किया। वही चीज़ों पे हर एक चीज़ों को विश्वास में लिया गया और विश्वास में जैसे जैसे लिया गया वैसे वैसे चीज़ों को यहाँ पे रखने का काम किया गया। संविधान एक दिन की खेती नहीं है मेरे दोस्तों, संविधान 2 साल 11 महीना और 18 दिन की एक लंबी चौड़ी खेती है, और इस लंबी चौड़ी खेती को करने के लिए ये सभी के सभी फसल लगाए जा रहे थे। आप यहाँ पे फसलों को देख भी सकते हैं कि किस किस तरह से उस वहाँ पे वाचन कंडक्ट करवाया गया था, क्या क्या संशोधन करने के लिए दिया गया था। तो बड़ा ही लंबा चौड़ा इसका सफर रहा। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, अभी हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो पहली बैठक के ही अकॉर्डेंस में बात कर रहे थे कि पहली बैठक में ये संशोधन करने के लिए दिया गया था, ये इतने पे संशोधन किया गया, इस डेट से लेकर के इस डेट तक उसमें संशोधन करने की बात आपको देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन जब हम दूसरी बैठक की बात करते हैं, दूसरे वाचन की बात करते हैं, क्योंकि एक ही बैठक में या फिर एक ही वाचन में आपका पूरा का पूरा संविधान जो है उसको क्वालिफाई, उसको पास तो नहीं किया जा सकता था ना, उसके लिए दूसरी बैठक का भी होना जरूरी है। और साथ ही साथ अभी मैं आपके साथ और आगे चलूंगा तो अभी आप देखेंगे कि तीसरी भी बैठक कंडक्ट करवाई गई थी, क्योंकि संविधान इतना संवेदनशील मामला था हमारे लिए, हमारे देश का पहला कानून का किताब है, और पहले कानून के किताब में अगर किसी भी प्रकार की गलती होती तो कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर फादर थे, उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी हम लोग थोप देते कि उन्होंने संविधान सही नहीं बनाया, इसीलिए आज हम उसको लेकर के झेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना वर्क किया कि आज हम उस संविधान को लेकर के खुश होते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, और इसी के लिए 26 नवंबर 1949 को हम लोग एज अ संविधान दिवस, एज अ लॉ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लॉ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो साथियों 26 नवंबर 1949 को ही सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अभी हम दूसरी बैठक की बात करने वाले हैं। कह रहा है संविधान सभा की दूसरी बैठक 16 नवंबर को हुई तथा इसके अगले दिन संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इस प्रस्ताव के साथ, क्या कह रहा है, भीमराव अंबेडकर के इस प्रस्ताव के साथ कि विधानसभा द्वारा यथा निर्णित संविधान पारित किया जाना चाहिए। अब ये चीजों को आप देख सकते हैं कि सेकंड वाले जो जो हमारा सेकंड रिव्यू किया जा रहा था, जो सेकंड बार उसको पढ़ने का काम किया जा रहा था, उसी चीज के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही साथ अभी आप लोगों ने प्रथम वाचन को देखा, आपने सेकंड नंबर के दूसरे बैठक को देखा, दूसरे वाचन को देखा, अब आप यहां पर क्या देखेंगे साथियों, अब आप यहां पर तीसरी बैठक को देखेंगे, तीसरे नंबर के वाचन को आप देखेंगे। जब हम तीसरे नंबर के वाचन की बात करते हैं तो संविधान का जो तीसरा बैठक प्रस्ताव हुआ था वो 26 नवंबर 1949, अभी मैंने 26 नवंबर का जिक्र भी आपके सामने थोड़ी देर पहले ही किया, और उस 26 नवंबर 1949 को एज अ लॉ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, एज अ लॉ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। यही कहा जा रहा है कि संविधान की तीसरी बैठक प्रारंभ हुई, प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत भी हो गया, और जैसे ही 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृति दे दी गई थी, इसमें टोटल आपको कितने अनुच्छेद देखने के लिए मिलते हैं, टोटल 395 अनुच्छेद परिशिष्टियों के साथ। अगर हम अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची भी इसमें रखा गया था। 22 भागों वाला संविधान देश की जनता के लिए तैयार कर दिया गया था। कब कर दिया गया था साथियों, तो ये 26 नवंबर 1949 का डेट है मेरे दोस्तों, और ये तीसरी बैठक के अंतर्गत इसको फाइनलाइज करने का काम किया गया था, और यहां से आपके एग्जामिनेशन में रिपीट एंड रिपीट करके क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। इसीलिए इस चीज पे मैं ज्यादा फोकस करने का काम कर रहा था, इसीलिए मैं फर्स्ट वाचन की बात कर रहा था, सेकंड वाचन की बात कर रहा था, और फाइनली थर्ड वाचन की बात कर रहा था, जो कि 26 नवंबर 1949 को, मींस कि 26 ऑफ नवंबर 1949 को
फाइनलाइज किया गया था। उसमें 395 अनुच्छेद हमको मिल गए, पूरे के पूरे 395 आर्टिकल हमको देखने के लिए मिलता है। कर संविधान के प्रारूप पर 8 माह विचार विमर्श हुआ, 1-2 दिन नहीं हुआ था कि चलो काम टरकाने के लिए मैंने एक दिन विचार विमर्श कर लिया। जनता में यह तो रहेगा कि जो संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर फादर थे उन्होंने इस पे विचार विमर्श किया, लेकिन 1 दिन 2 दिन 1 महीना 3 महीना 4 महीना नहीं बल्कि पूरे के पूरे 8 माह इस पर विचार विमर्श किया गया, तभी संविधान के 11वें अधिवेशन हुए। आप सभी लोगों को पता है कि 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 इस तरह से मिला करके 11 अधिवेशन कंडक्ट करवाए गए थे संविधान के बनने से पहले। आगे आप देखिए इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है 26 नवंबर 1949। जब जब मैं इस डेट की बात करूंगा तब तब ये डेट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 26 नवंबर 1949 की बात करेंगे, कर रहा है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की तीसरी एवं अंतिम बैठक, 284 सदस्यों 284 मेंबर्स यहां पर उपस्थित थे और इन लोगों ने अंतिम रूप से क्या किया था, पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह कब किया गया था साथियों, तो यह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और कितने नंबर यहां पे सदस्य इकट्ठा थे, तो टोटल 284 उपस्थित थे और सभी लोगों ने अंतिम रूप से बैठक में क्या किया था, भाग भी लिया था और संविधान पे हस्ताक्षर भी किया था। और आज भी ये संविधान ओरिजिनल आपके सामने मौजूद है, जब आप जाएंगे दिल्ली में वहां पे रखा गया है, वहां पर देखेंगे तो 284 लोगों के हस्ताक्षर किए वाले ओरिजिनल संविधान को वहां पे रखा गया है। आप आगे देखिए, ये आपके लिए एज अ नॉलेजेबल फैक्ट है और इस नॉलेजेबल फैक्ट को आपको जानने की बेहद जरूरी होती है। कह रहे हैं कि भारत का संविधान कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। अब आप समझ सकते होंगे कि एक लंबा चौड़ा टाइम ड्यूरेशन लिया गया है, कितना टाइम लिया गया है, तो 2 साल, पूरा का पूरा 2 साल 11 महीना और 18 दिन यहां पे लगे थे। अब सोचिए, एक इंटेलेक्चुअल के द्वारा बना करके दिया गया था, सर बीएन राव साहब के द्वारा बना करके दिया गया था, उनके बनाने के बावजूद भी इस पे तमाम प्रकार का वाचन कराया गया था, इस पे तमाम प्रकार के बहस को कराया गया था, इसमें से काट छांट किया गया था और उसके बाद से भी इस पे 2 साल 11 महीना और 18 दिन का वक्त लगा था। आप इन सभी चीजों को यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949, जब जब ये 26 नवंबर 1949 आएगा तब तब आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां पे बढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने की तिथि एडॉप्ट, 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। इन दोनों डेट्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 में। यहां पे आपको एडॉप्ट करने की बात कर रहा है, किसमें, 26 नवंबर 1949 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एडॉप्टेशन की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हम 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं तो यहां पे प्रवर्तन की बात करते हैं, प्रवर्तन की तिथि इसको कहा जाता है। तो इन दोनों डेट्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है और यहां पे आपको कंफ्यूज कोई कर भी नहीं सकता है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को, अब आप कहेंगे कि लागू तो जो हमारा प्रवर्तन हुआ था वो तो 26 जनवरी 1950 को हो गया था, ये बार बार 26 जनवरी 1949 क्या करने आ जा रहा है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तन करना, उसको लागू करने की आवश्यकता थी, जिसमें किस किस को हम शामिल कर सकते हैं, तो नागरिकता हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम, नागरिकता को लागू करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, निर्वाचन चुनाव कराने की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी इसीलिए उसको भी लागू किया गया था, अंतरिम संसद तथा आपातकालीन व्यवस्था, इन सभी चीजों की एट दैट टाइम जरूरत थी इसीलिए इन लोगों को 26 जनवरी 1949 को ही क्या कर दिया गया था, इन लोगों को लागू कर दिया गया था। बाकी जो शेष भाग आपका बचा था साथियों वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो ये आपके पूरे के पूरे संविधान का एक निचोड़ है, एक क्रक्स है, जो कि मैं आपके सामने एक एक करके रखने का काम कर रहा हूं, मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं कि संविधान इतनी
आसान खीर नहीं है आपके लिए। संविधान बहुत ही टेढ़ी खीर है आपके लिए। जब आप संविधान को पढ़ेंगे, जब आप संविधान के एक एक प्रोविजंस को समझ जाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, जो ये संविधान हमको प्रोवाइड किया गया है, इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, और सिर्फ सिर्फ एक आदमी के द्वारा इस पर वर्क नहीं किया गया है, पूरे के पूरे संविधान सभा के द्वारा इस पर मेहनत किया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी देखने के लिए दोस्तों मिलेगा कि यहां पे डेट, जो हमारा डेट यहां पे टर्निंग पॉइंट है, यहां पे आ रहा है, जैसे 26 नवंबर आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, तो ये डेट भी हमारे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट्स यहां पे साबित हो रहे हैं, क्योंकि डेट से भी हमारे एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं तो थोड़ा सा वहां पे हमको डगमगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन जब आप इस टाइप के वन लाइनर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो भी डाउट रहता है साथियों, वो डाउट आपका क्लियर हो जाता है। अब यहां पे नोट देकर के लिखा है, वन लाइनर तो ये ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इस वन लाइनर में भी आपको नोट प्रोवाइड कर रहा है। क्या नोट में कह रहा है? कह रहा है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ था। यह बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दसियों बार इसी बोर्ड के माध्यम से बता दिया कि संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया गया था। इस बात को अब आप लोग भी स्वीकार कर लीजिए। तथा उसी दिन कुछ उपबंधों को भी लागू कर दिया गया था, कुछ उपबंधों को भी प्रवर्तित कर दिया गया था, जिसमें मैंने नागरिकता की बात कही थी, मैंने इलेक्शंस की बात किया था, मैंने इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई थी, इन लोगों को उसी दिन लागू कर दिया गया था, क्योंकि यह समय की डिमांड थी। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए उन सभी चीजों को लागू कर दिया गया था, परंतु अंतिम रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसीलिए 26 जनवरी के डेट को क्या किया गया था? 26 जनवरी के डेट को तय किया गया था। इसलिए किया गया था साथियों, क्योंकि 26 जनवरी 1929 ये डेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे लाहौर अधिवेशन किया गया था। कहां पे? लाहौर में जाकर के। और इसी डेट को कांग्रेस ने क्या किया था? लाहौर अधिवेशन मनाया था, और इसी लाहौर अधिवेशन को स्वराज की मांग की गई थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? पूरे के पूरे संविधान को लागू करने का ये डेट दिया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और तभी से बराबर कांग्रेस अपना स्वतंत्रता दिवस इसी तिथि को मनाती रहे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी फैक्ट की कहानी थी मुझे सुनानी, और ये सभी के सभी कहानी मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूं। और इसी फैक्ट को जानने की आवश्यकता है आपको, अदर किसी फैक्ट को जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस टाइप के अगर आप फैक्ट को जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का मैं यहां पे कंटेंट आपको लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस वन लाइनर फॉर्मेट के हिसाब से। अगर हम इसके अंदर अगर चलेंगे तो और भी ज्यादा हमको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सर पे एमपीसीजे का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लगा है, और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम उसको छोड़ने वाले तो बिल्कुल है ही नहीं है। फिर यहां पर देखिए एक वन लाइनर फिर आपके सामने आ जा रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों का होने का कारण बहुत से लोग इसे उधार का थैला, बैग्स ऑफ बोरोइंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि जो हमारा भारत का संविधान है यह बोरोइंग बैग्स है, बैग्स ऑफ बोरोइंग है। हमें इसको उधार का थैला कहना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भी चीजें जरूरत की चीज थी उन सभी चीजों को लेकर के आया गया, लेकर के आया गया ठीक है, लेकिन जो चीजें एज यूजुअल वहां पे लागू थी वही एज यूजुअल अपने भारत में नहीं लागू किया गया। इस पे 2 साल 11 महीना और 18 दिन तगड़ा लंबा समय इस पे खर्च किया गया, और उस समय की मांग यह थी कि चीजों को उसमें अमेंडमेंट किया गया, चीजों को बदला गया। एज यूजुअल ले करके मैं वहां से कॉपी किया और यहां पे ला करके पेस्ट किया, ऐसा बिल्कुल भी हमारे भारत के संविधान में नहीं किया गया था। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान थे जो हमारे भारत के संविधान को बैग्स ऑफ बोरोइंग के नाम से भी बताते हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो संविधान को पढ़ता है, जो संविधान को जानता है, जो संविधान को समझता है, वही सिर्फ और सिर्फ संविधान को समझ सकता है, वही जान सकता है, और वही संविधान पे बहस कर सकता है। बाकी लोग तो इसको बैग्स ऑफ बोरोइंग के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि हमारे लिए ये इररिलेवेंट है। लेकिन क्या कहें, कुछ विद्वानों के द्वारा इसको बैग्स ऑफ बोरोइंग कहा गया है, तो हमें यह चीज भी जानने की आवश्यकता
पड़ती है। अब हम आगे चलेंगे, आगे जो चीजें आपने अभी हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा साथियों, वही एज यूजुअल आपको यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए मिल रहा है। और मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा है कि मैं जो भी कंटेंट यहां पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा मेरे दोस्तों, वो सभी के सभी बाइलिंगुअल में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखिए कर रहा है, ऑन अगस्त 2947 अ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स वाज सेट अप अंडर द चेयरमैन पर्सन ऑफ द बीआर अंबेडकर। मींस कि जो 7 लोगों का मेंबर यहां पे आया था, संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा तो बहुत बड़ी सभा थी, लेकिन यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर थे तो 7 लोगों को, जिसका चेयरमैन किसको बनाया गया था साथियों, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया गया था और उनके अंडर में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और वही कमेटी संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखिए कह रहा है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन जनवरी 1948 द पीपुल ऑफ इंडिया वे आर गिविंग 8 months to discuss the draft and propose amendment as may be 76,3500 की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इन सभी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इन्हीं सभी चीजों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो भी चीजें अभी तक आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा साथियों, वही चीज यहाँ पे आपको इंग्लिश के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक मैंने पार्ट सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब साथियों यहाँ पे मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा जो कि पार्ट थर्ड के नाम से होने वाला है। तो साथियों ये था इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया था। साथियों एमपीसीजे के एग्जामिनेशन को तोड़ने का काम हम लोग करेंगे और साथियों आप लोगों से एक बात और यहां पे हम बता देना चाहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं एमपीसीजे को तब तक छोड़ेंगे नहीं। और साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूँ तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।